और लकड़ी उठा के कहता है मेरा नाम घर का माटे है, हाँ इस फूल को देखती हो माटे, प्रकृति ने कितना असीम प्यार भर दिया है, झोली मेरे हृदय में बसी हुई है, उसको कहाँ खोजेंगे, उसका शरीर तो यहाँ नहीं है, वो बाहर है विदेश में है, लेकिन उसकी आत्मा हमारे पास है। आपके नजर में वैलेंटाइन डे का छोटा सा हम डिफिनेशन जानना चाहेंगे। 7 दिन तक आप प्रेम कर सकें और 7 दिन तक, एक दिन क्यों, 7 दिन तक प्रेम में डूबे रहें अलग अलग रंगों में। आप तो गुलाब तो मात्र प्रतीक है, उसकी जो लाली है, उसकी जो खुशबू है, और गुलाब के भी अनेक रंग हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। आपका प्रेम संकुचित नहीं होना, हृदय गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए, और जैसे गुलाब की खुशबू फैलकर दूर दूर तक के लोगों को सुवासित करती है, आह्लादित करती है, वैसा ही आपका प्रेम भी हो जो आपको भी आनंदित करे और आपसे जुड़े लोगों को भी आनंदित करे। कि फूल खिला है पूरी तरह से, और जब खिलता है तो सौंदर्य उसमें प्रकट होता है, वैसे ही आपका प्रेम उस फूल की तरह, गुलाब की तरह खिल जाना। नमस्कार, एचडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तमाम तरह के जो है आप अपडेट जो उसको लेकर के जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप सभी को आ रहा होगा, लेकिन हमारे साथ हम एक अलग तरह से कुछ गॉसिप करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में हमारे सभी साथी भी हैं, साथी को तो आपने कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपने देखा ही है, लेकिन हमारे साथ एक वरिष्ठ अतिथि के तौर पे मटुकनाथ चौधरी हैं, जिनको कि लोग लव गुरु भी कहते हैं और युवाओं के बीच ये काफ़ी फेमस है। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है और इन्होंने प्रेम को लेकर कई तरह की कविताएं, कई तरह की बातें, तमाम तरह की बातें जो है इन्होंने मीडिया के माध्यम से या अपनी पुस्तक लिख करके तमाम तरह से की है, हम बात करेंगे। सर, द एचडी न्यूज के इस न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, आप हमारे गुरु जी भी रहे हैं, आपसे हमने अपने हमको पढ़ाया भी है, लेकिन आज सौभाग्य है जो हम लोग गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे के अवसर पे। आपके नज़र में वैलेंटाइन डे का छोटा सा हम डिफिनेशन जानना चाहेंगे। अंशु जी, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं अपने विद्यार्थी के साथ आज बातचीत कर रहा हूँ। मेरे विद्यार्थी इस योग्य हैं कि एक न्यूज रूम में बैठकर हमसे चर्चा कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत हर्ष और गौरव की बात है। वैलेंटाइन डे का विरोध भी होता है, ये प्रेम का दिवस और सप्त दिवसीय दिवस के रूप में पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रचलित है। युवा ललक के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे पाश्चात्य संस्कृति कह के इसका विरोध भी करते हैं। तो जो विरोध करते हैं उनको सोचना चाहिए कि जब इस देश में कृष्ण जैसा प्रेमी हुआ जिसका कोई मुकाबला नहीं, उसको आपने भुला दिया, उसकी लीला को, उसकी प्रेम लीला को आपने आध्यात्मिकता का रंग देकर उसको छिपा दिया, उसकी सहजता खत्म कर दी और उसको मंदिरों में भजन कीर्तन प्रसाद का विषय बना दिया। तो कृष्ण डे के रूप में प्रेम दिवस जो पूरी दुनिया में मनना चाहिए था वो नहीं मन सका। वैसे कृष्ण की तरफ जो समझदार लोग हैं विदेशी, वो आकृष्ट हैं कृष्ण के जीवन पर, और आप ही भुला बैठे। हमारे आदि देव भगवान शंकर हैं जिसके उत्कट प्रेम की कोई सीमा ही नहीं, और उस प्रेम को भी आपने भुला दिया जिस पर कालिदास से लेकर अनेक लोगों ने लिखे। एक तरफ महायोगी, तो हम ये जानना चाह रहे थे आप वैलेंटाइन डे को आज रोज डे से शुरू हो रहा है, एक छोटा संवाद वैलेंटाइन डे के जो कि आज के युवा हैं, जनरेशन के जो छात्र हैं, जो भी युवा हैं, उनके लिए आपका क्या मतलब है कि एक छोटा डिफिनेशन अगर मानना चाहेंगे तो क्या रहे? एक इसे फायदा भी है कि 7 दिन तक आप प्रेम कर सकें और 7 दिन तक, एक दिन क्यों, 7 दिन तक प्रेम में डूबे रहें अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में, ये तो सही है, लेकिन हर सही चीज़ के साथ एक खतरे भी होते हैं, उसके उससे सावधान रहना चाहिए। वो खतरा ये है कि ये परंपरागत ना हो जाए, रीतिबद्ध ना हो जाए। ज्यों ही रीतिबद्ध कोई चीज़ होती है
तो उसकी सहजता खत्म होती है, और सहजता खत्म हुई तो प्रेम का असली रूप भी खो जाता है। तो बिल्कुल औपचारिक, आज जैसे रोज डे है, अब आप रोज फूल खोजने निकलें और 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया लगा के आप प्रेम करने जाएं और आपको गुलाब नहीं मिल सके तो आपका प्रेम नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो गुलाब तो मात्र प्रतीक है, उसकी जो लाली है, उसकी जो खुशबू है, और गुलाब के भी अनेक रंग हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो वो फूल है, प्रतीक बनता है। अब फूल प्रतीक किस चीज़ का, इसको ध्यान रखना चाहिए कि फूल खिला है पूरी तरह से, और जब खिलता है तो सौंदर्य उसमें प्रकट होता है। वैसे ही आपका प्रेम उस फूल की तरह, गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए। आपका प्रेम संकुचित नहीं होना, हृदय गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए, और जैसे गुलाब की खुशबू फैलकर दूर दूर तक के लोगों को सुवासित करती है, आह्लादित करती है, वैसा ही आपका प्रेम भी हो जो आपको भी आनंदित करे और आपसे जुड़े लोगों को भी आनंदित करे। यह प्रतीक रूप में लेना चाहिए। एक अब प्रेम में और डूबते हैं, आपने कई कविताएं भी लिखी है प्रेम को लेकर के, आज रोज डे है, छोटा सा कविता, युवा और जो नवयुवक हैं, जो युवती है जो आज प्रेम का इजहार कर रहे हैं रोज डे से, उसके लिए कोई ऐसा कविता जो एचडी न्यूज़ पे वो सुनने को मजबूर हो जाए। बहुत सारी जो गलत फहमियाँ मेरे बारे में मीडिया के ही माध्यम से पहुँचती है लोगों तक, और लोग भी अपने अपने हिसाब से लेते हैं, तो सत्य से बातें दूर चली जाती हैं। मैं कवि नहीं हूँ, जीवन में कभी कोई कविता नहीं की, मैं तो गद्य लेखक हूँ, गद्य लिखता हूँ। हाँ, गद्य लिखने में भी कभी कभी काव्य का सौंदर्य प्रकट हो जाए तो वह अलग बात है, लेकिन छंद और काव्य मैं ये नहीं करता हूँ। और मैं व्याख्या तो काव्य की कर सकता हूँ, लेकिन मैं काव्य नहीं कर सकता, मैं काव्य नहीं करता, इसलिए आप मुझसे व्याख्या ही पूछें, कविता नहीं पूछें। गद्य के रूप में कोई, गद्य के रूप में कोई स्लोगन? स्लोगन नहीं, जैसे मैं बतला रहा हूँ कि भाव से भरा हुआ। अब एक बार की बात में संस्मरण बताता हूँ, गांव में नाटक था, 1973 का जमाना था, उसमें मुझे नाटक में नायक का रोल करने का को मिला, नाम था इंतकाम। उसमें पाला ही जो दृश्य है पुष्प वाटिका का, और मेरे हाथ में एक फूल है, और फूल मैं अपनी प्रेमिका को, जो नायिका है, उसको दे रहा हूँ, और देते हुए कह रहा हूँ कि ये फूल देख रही हो रेखा, प्रकृति ने कितना असीम प्यार इसमें भर दिया है। अब ये रिहर्सल होता था, बहुत सारे लड़के रिहर्सल सुनते थे, तो ये रोज रोज कहना होता था, वो सबको याद हो गया था। अब एक बार उस समय होता था कि नाटक में हम लोग अपने से बांस काट के लाते थे, खद्दा खानते थे, उसके बाद तैयार करते थे मंच, तो वही काम कर रहा था। एक मेरा मित्र बहुत रंग में आया, और जहाँ मैं बैठा हुआ था वो एक लकड़ी उठा लिया, और लकड़ी उठा के कहता है, मेरा नाम घर का मांटे है, हाँ, इस फूल को देखती हो मांटे, प्रकृति ने कितना असीम प्यार भर दिया है इसमें। अब उसका जो भावातिरेक में निकला, हम लोग बेबल हो गए। एक लकड़ी का टुकड़ा अगर आप भाव है तो गुलाब से बढ़कर है, तो गुलाब को मुख्य चीज ना समझें, गुलाब सिर्फ आपके प्रेम को, आप मन में भाव होना चाहिए, फूल वाला भाव होना चाहिए, उसी को ढोने का साधन है, वो साध्य नहीं है। जो ही साध्य हो जाएगा गुलाब, तो ही आप प्रेम के रस को खो दीजिएगा। अब हम लोग सजा प्रेम से और प्रेम की गहराई में उतरते हैं, और आप गुरुदेव हैं, लेकिन हमको लग रहा है जो हमें कहीं ना कहीं सवाल पूछने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, क्योंकि आपने जो जिस तरह से शिक्षित किया है लोगों को, या हम लोगों में जो शिक्षा दी, उसमें ये है जो बेबाकी से बात को रखनी चाहिए। जूली, आप 2006 उस वक्त हम लोग मैट्रिक पास मतलब कर गए थे, शायद करने वाले थे, उस समय जो है एक बिहार के यूँ या यूँ कहें जो भारत के पटल पे वो प्रेम कहानी चर्चा में थी, जूली। गुरुदेव, जूली कहाँ गुम हो गई? जूली मेरे हृदय में बसी हुई है, उसको कहाँ खोजेंगे? उसका शरीर तो यहाँ नहीं है, वो बाहर है, विदेश में है, लेकिन उसकी आत्मा हमारे पास है।
वो ये आश्चर्य लगता है, किसी को भी लगता है, हमारे लिए भी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जिस गहराई में हमारा प्रेम था कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग अलग होंगे, क्योंकि एक पल वो मेरे बिना नहीं जी सकते थे, ये हाल था, तो नहीं सोच सकते थे। लेकिन ये नहीं सोच सकते थे, इसके बाद भी सोचते थे कि अगर जीवन में कभी ऐसा आए जिसकी संभावना नहीं है कि हम लोगों को अलग रहना पड़े, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही शानदार विदाई देंगे और वो विदाई यादगार होगी। लोग देखेंगे कि प्रेम में कैसे प्रवेश किया जाता है और प्रेम से कैसे निकला जाता है। वो दोनों गरिमापूर्ण, दोनों कृतज्ञता से भरपूर होना चाहिए कि जितने 10 साल हम तुम्हारे साथ जिए इतने आनंद में, ये 10 साल कम नहीं होते हैं। 10 साल हम तुमने हमें जीवन दिया, तुमने हमारे जीवन में एक रौनक दी, और इसके लिए कृतज्ञता से लवरेज हृदय फिर आनंद से भर जाता है। ये प्रेम कोई शाश्वत चीज नहीं है कि एक बार हो गया तो चलता ही रहेगा। नियम है सृष्टि का, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है। अगर प्रेम का आरंभ है तो प्रेम का अंत भी होगा। प्रेम का आरंभ तो आपका जब हुआ था तो उस प्रेम के आरंभ में जो है तमाम दुनिया गवाह थी, सभी के नज़र पे वो प्रेम था, और कहीं ना कहीं उस प्रेम में आपने बहुत बढ़ चढ़ के उसको बहुत आगे तक बढ़ाया, एक मैसेज दिया। अचानक से बिछड़ जाना, अकेले रहना, कभी याद नहीं आती जूली की? याद नहीं आने का सवाल नहीं, मैंने शुरू में ही कहा। मेरा ये सवाल है गुरुदेव जी, क्या कभी ऐसा पल जिस पल आपने बहुत मिस किया हो? क्यों नहीं, कोई आदमी आपका सरदर्द तो मिस क्यों नहीं कीजिएगा, लेकिन आप मिस करके उसकी स्मृति में ही खोए रहिए तो ये उचित नहीं होगा। हमेशा भविष्य आपके सामने है, आप वर्तमान पे टिकिए, और वर्तमान में ही प्रेम है चारों तरफ। मान लीजिए आज आपसे मैं प्रेम करता हूँ और आज आप नहीं हैं।